सदर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को लगा न्यायालय का झटका। न्यायालय ने कहा अमान्य है यह प्रक्रिया। सदर प्रखंड प्रमुख फुलपातो देवी को अविश्वास प्रस्ताव में हराने का दावा करने वालों को पटना उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने 9 फरवरी को जारी अपने आदेश में शुक्रवार को हुए मत विभाजन की प्रक्रिया को गलत ठहराया है। न्यायालय का कहना है कि पंचायती राज अधिनियम की जिस शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासन के द्वारा मत विभाजन की तिथि निर्धारित की गई थी, वह अधिनियम पूर्व में ही रद्द किया जा चुका है। न्यायालय के इस फैसले से प्रखंड प्रमुख की कुर्सी बच गई है। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मटरू राय ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था वो नादान थे। कोर्ट पर भरोसा था, नियमानुसार काम नहीं कर रहे थे लोग, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हमारे पक्ष में है। अच्छा, जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि काम नहीं होते हैं या फिर दुर्व्यवहार का जो आरोप लगा रहे थे, क्या लगता है कि मतलब वो लोग कहीं किसी दूसरी मानसिकता से ग्रसित है? दूसरी मानसिकता से ग्रसित है। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ हो। कोई भी सदस्य, पंचायत समिति सदस्य ये नहीं कह सकता है कि हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ है, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। ये जो भी सदस्य बेबुनियादी आरोप लगा रहे थे, कानून पे भरोसा था। जी, कानून पे भरोसा था, न्यायालय पे भरोसा है, अभी भी न्यायालय पे भरोसा था। और पंचायत समिति सदस्य जो मूर्ख हैं, जो नदान हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये लग रहा था कि गलत है। हम 2200 सदस्य को एक समान देखते हैं, एक समान से काम करते हैं, जैसे जैसे सिस्टम है उसे उसे फॉलो करते हैं। जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कोई मतभेद या नहीं? कोई मतभेद नहीं है। सब अपने हैं, चुनाव है, होता जाता रहता है, इसीलिए कोई मतभेद नहीं है।